Kritika. Manu? Manu Raj Pandey? Wow, what a great surprise. कहाँ थी इतने साल? मैं तो यहीं थी, तुम कहाँ थे? Let's walk. वैसे एक बात बताओ, तुम यहाँ हॉस्पिटल में क्या करने आए हो? मैं तो यहाँ रूटीन चेकअप के लिए आया था. By the way, तुम यहाँ क्या कर रही हो? Actually यहाँ पे एक डर्मेटोलॉजिस्ट है, डॉक्टर आकांक्षा, बस उन्हीं से मेरे यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है. डर्मेटोलॉजिस्ट? मुझे नहीं लगता तुम्हें किसी डर्मेटोलॉजिस्ट की कोई जरूरत है. आई मीन तुम पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई. बेटा आपका नाम क्या है? खुशी. बहुत सुंदर नाम है. वैसे बच्चे तुम्हें आज ही बहुत पसंद है ना? हाँ, बच्चे ना बहुत मासूम होते हैं. सच्ची, हम सबके अंदर एक बच्चा छुपा होता है जिसको हम अपने अंदर दबा के रखते हैं. उनको देख के एक अलग पॉजिटिविटी मिलती है मुझको. आजकल के माँ बाप अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते, जबकि उन्हें अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि असल में उनकी दुनिया अपने माँ बाप के चारों तरफ घूमती रहती है. मुझे नहीं पता था तुम आज भी इतने सेंसिटिव हो गए. आई थॉट यू मस्ट बी अ चेंज्ड मैन. पता कैसे होता, तुम तो छोड़ के चली गई थी. तू कहाँ पर है यार? तुझे कितनी देर से ढूंढ रहा हूँ. क्या कर रहा है यहाँ? अरे ये सब छोड़, ये देख कौन है. कृतिका, पहचाना नहीं तूने इसे? किस सोच में पड़ गया भाई, इतने साल बाद तो मिले हैं. हेलो नहीं बोलेगा? हाय. हाय. ये हमेशा सीरियस टाइप रहता है, ना किसी बात पे खुश होता है ना किसी बात पे रिएक्ट करता है. हमारा फेयरवेल याद है? हम पार्टी के बाद अरोमास का पिज्जा खाने गए थे. हाँ, और तुमने वहाँ पे गलती से चिकन पिज्जा खा लिया था. अच्छा सुन, आई थिंक अब हमें चलना चाहिए. कृतिका को भी लेट हो रहा होगा और रात भी होने वाली है. आई थिंक यू आर राइट. एक्चुअली अब हमें चलना चाहिए, पर यार इतने टाइम बाद मिले, एक मोमेंट तो कैप्चर होना चाहिए. सुन, एक फोटो ले ले. ओ भाई, मेरी और कृतिका की. ओके, तो अब तुम्हें चलना चाहिए. बाय. या बाय. चलें? डॉक्टर के पास गया तू? हाँ. क्या बोला डॉक्टर ने? भाई यार, टाइम से सो टाइम से उठो. मनु, हम दोबारा तो मिलेंगे ना? बहुत जल्द. Thank you.
किससे बात करी थी? किसी से नहीं। तुम थोड़ी परेशान लग रही हो। बस तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। लेकिन अचानक क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं, बाद में बात करती हूँ। कृतिका एक मिनट। We're sorry, your call cannot be completed as dialed. Please check the number or try your call again. We're sorry, your call cannot be completed as dialed. Please check the number and dial again. क्या हो गया तुझे मनु? ऐसे क्यों बैठा है? कुछ बताएगा भी? और मुझे अचानक यहाँ क्यों बुलाया है? और एक क्या हालत क्या बना रखी है अपनी? डॉक्टर ने टाइम से सोने के लिए बोला है ना? कब से चल रहा है सब? कॉलेज टाइम से ना? क्या कब से चल रहा है? अफसोस इस बात का है कि तूने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा, ना तब ना ही अब। मनु मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तू दवाई खा और सोचल। तू कृतिका से प्यार करता है ना? तू पहले भी हमारे बीच में आना चाहता था और तू आ गया, और आज देखा मैंने तुझे उसे अपनी बाहों में लेते हुए। ये सब बकवास छोड़, तुझे डॉक्टर ने सोने के लिए बोला ना, चल। बकवास मैं कर रहा हूं? तू जानता है कृतिका कितने साल बाद मेरी लाइफ में आई है? उसके जाने के बाद मेरा क्या हाल हो गया था तूने सब देखा है। साइकोलॉजिस्ट के पास जाने लगा था मैं, नींद की गोलियां खा के सोता हूं, और तूने ये किया मेरे साथ? साले कैसा दोस्त है तू, इससे अच्छा तो मर जाने देता मेरे को। मनु होश में आ, कृतिका मर चुकी है। 3 साल पहले कृतिका प्लीज, कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार फिर से सोच लो, एटलीस्ट मेरी बात एक बार समझने की कोशिश तो करो। कृतिका इतना ओवर रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ओवर रिएक्ट? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? सच तो ये है तुमने कभी शादी को अपना समझा ही नहीं, हमेशा से तुम्हें अपने बिजनेस अपने पैसे से प्यार था, और आज तो तुमने हद ही कर दी। अगर आज मुझे रौनक भैया ना बताते कि तुम और आकांक्षा, छी। कृतिका प्लीज यार, मुझे समझाने का मौका तो दो। और तुम उस रौनक की बात सुन सकती हो अपने पति की नहीं, और तुमने सोचा है खुशी पर इसका क्या असर पड़ेगा? वाह, आज अचानक तुम्हें खुशी की याद आ गई कि खुशी पे क्या असर पड़ेगा? कभी बैठ के इतने सालों में उससे बात भी करी है तुमने? तुम्हें ये तक पता खुशी कौन से स्कूल में है? बस उसके स्कूल की फीस भरते हो, सिर्फ यही फर्ज है तुम्हारा। कृतिका प्लीज मेरी बात सुनो। सच तो ये है मिस्टर मनुराज पांडे कि तुम वो इंसान हो ही नहीं जो कॉलेज में था, मेरा बेस्ट फ्रेंड था, मेरा सब कुछ था और मेरा प्यार था। यू आर अ चेंज्ड मैन।
कृतिका, कृतिका हम बैठ के बात कर सकते हैं? कृतिका हाँ चली जाओ, कोई जरूरत नहीं है मुझे तुम्हारी। कृतिका, खुशी, कृतिका, कृतिका, खुशी। उस हादसे के बाद तू पूरी तरह से चुप हो गया था। हम सब ने पूरी कोशिश करी तुझसे बात करने की, पर पूरे 10 दिन तक तूने किसी से कुछ भी बात नहीं करी। पूरे 10 दिन बाद जब तू होश में आया तो उस हादसे का इनके दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा है, जिसकी वजह से इन्हें डिल्यूशंस और हैलुसिनेशंस हो सकते हैं। आमतौर पर इस बीमारी को स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं, जिसमें पेशेंट अपने आसपास एक काल्पनिक दुनिया बना लेता है, जिसकी वजह से उसे ऐसी बातें सुनाई देने लगती हैं, ऐसे लोग दिखाई देने लगते हैं जो असल में वहां पर होते ही नहीं हैं। कृतिका, उस दिन मैं तुझे डॉक्टर के पास लेकर गया था। मुझे किसी का कॉल आया तो मैं तुझे लिफ्ट के पास छोड़कर गया था, और 2 मिनट बाद जब मैं वापस आया तो तू वहां नहीं था। मैंने तुझे बहुत ढूंढा, फिर जब मैं बाहर आया तो तू अकेला खड़ा होकर खुद से बातें कर रहा था। मैं समझ गया था तुझे फिर से हेलुसिनेशन हो रहा है, फिर से तुझे कृतिका दिखाई दे रही है। झूठ बोल रहा है तू, झूठ है ये सब। देख, उस दिन कृतिका के साथ तेरी फोटो ली थी ना, कहाँ है इसमें कृतिका? और आज जिसे तूने देखा वो कृतिका नहीं, मेरी मंगेतर ईशा थी। कभी कभी ऐसा लगता है ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं कृतिका को तेरे और आकांक्षा के अफेयर के बारे में नहीं बताता तो शायद आज वो जिंदा होती। सब मेरी वजह से हुआ है, सब तेरी वजह से हुआ है। सच कहा तूने, तू ही वजह है, तू ही वजह है, तू ही वजह है, तू ही वजह है। तेरी वजह से कृतिका मुझसे दूर हो गई, तूने मेरी खुशी का मुझसे छीन लिया, मेरा घर बर्बाद कर दिया, तू ही वजह है। तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से, तेरी वजह से, तेरी वजह से मेरी कृतिका मुझसे दूर हो गई। तू ही वजह है, तू ही वजह है। तूने मुझे मारा इसके दुपट्टे से। अरे यार, इसने आज तक एक मच्छर तो मारा नहीं होगा, तुझे क्या ही मारेगा। यार मैं सही बोल रहा हूँ यार, सो के उठते ही मेरी बॉडी शिवर कर रही थी। अच्छा, बहुत बुरा सपना था यार। क्यों
अच्छा अच्छा अच्छा, वो सब छोड़ो, दो दिन बाद हमें कॉलेज प्रोजेक्ट सबमिट करना है, वरना आकांक्षा मैडम हमारी जान ले लेंगी। जल्दी कुछ ऑर्डर करो और चलो यहाँ से। भैया। यस सर। भैया 3 कॉफी लेना है यार। 3? हाँ 3। ओके सर। हाँ, प्रोजेक्ट टाइटल क्या है कुछ पता है? अरे यार,